हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से आने वाला Mi Box 4K को। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ ये हमें देखने को मिलता है। बॉक्स की राइट साइड में दिखाया गया है कि इन बॉक्स क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, और लेफ्ट साइड में दिखाया गया है इसे सेटअप कैसे करना है, और पीछे की तरफ इसके कुछ फीचर हाईलाइट किए गए हैं जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स में हमें देखने को मिलता है Mi Box इटसेल्फ, जो कि मैट ब्लैक फिनिश के साथ आता है, और ऊपर MI की ब्रांडिंग दी गई है। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमें ये यूज़र मैनुअल दिख जाती है जो हमारे किसी काम की नहीं है। चलिए और क्या क्या देखने को मिलता है। ये हमें पावर एडाप्टर देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह का प्लग है इसका। और इसके साथ हमें ये ब्लूटूथ रिमोट देखने को भी मिलता है, जिसमें नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो का डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है, गूगल असिस्टेंट का भी बटन दिया गया है, और ये सबसे लास्ट में HDMI केबल दिया गया है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है इस बॉक्स के अंदर। कुछ इतनी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो चलिए इसे आप टीवी के साथ सेटअप करके देख लेते हैं। मैंने इसे टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया है, लेकिन गलती से मैंने इसे HDMI 3 पोर्ट में लगाया है। इसकी वजह से ये 1080p पर रन कर रहा है, लेकिन ये टीवी 4K तक सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास भी 4K टीवी है तो आप भी सही HDMI पोर्ट में लगाएंगे तो ये 4K पे चलेगा। अब ये सेटअप होना शुरू हो गया है। एंड्रॉयड का लोगो आ रहा है, स्टार्टिंग एनिमेशन आ रहा है एंड्रॉयड का। अभी यहाँ पर हाय लिखा हुआ दिखा रहा है। अब ये बता रहा है कि हमें रिमोट के अंदर सेल डालने हैं, जो कि मैंने पहले ही डाल दिए हैं। अब ये बीच वाले ओके बटन को दबाने के प्रेस करने के लिए बता रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये दिखा रहा है कि मैं इस बॉक्स के सामने ले जाकर इन दो बटन को प्रेस करूंगा तो ये बॉक्स के साथ पैर हो जाएगा, और ये सक्सेसफुली पेयर हो चुका है। अब मैं इसे और सेटअप कर लेता हूँ। इसे हम फ़ोन की मदद से भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़ोन के बिना ही सेटअप कर लेता हूँ। मैं अपने वाईफाई से भी इस बॉक्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इट्स सक्सेसफुली कनेक्टेड टू इंटरनेट। अब ये मुझे अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करने के लिए दिखा रहा है, तो मैं कर लेता हूँ। और हमारा Mi Box स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्टिंग होने के साथ ही इसमें ये अपडेट दिखा रहा है, तो मैं अपडेट कर लेता हूँ। तकरीबन 620 MB का ये अपडेट है, तो चलिए इसे अपडेट पहले कर लेते हैं। अपडेट होने के बाद एंड्रॉयड वर्जन 9 है पाई, उस पर ये रन कर रहा है।
अब चलिए हम यहाँ पर YouTube पर कुछ 4K वीडियोस प्ले करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ हमारे चैनल के वीडियोस प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Whoa!